ठियोग से सीपीएम विधायक राकेश सिंघा ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश में कोरोना की वजह से लगातार हो रही मृत्यु को लेकर सिंघा ने कहा कि प्रदेश में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं न मिलना कोरोना संक्रमण की महामारी को मृत्यु में बदल रही। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर सीपीआईएम ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राकेश सिंघा ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश देश से आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मौत की दर 1.5% है, जबकि भारत में मृत्यु दर 1.4% दर्ज की जा रही है। सिंघा ने कहा कि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम 0.3% मृत्यु दर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश सरकार के केंद्र सरकार से मिले स्वास्थ्य उपकरणों के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना होगा, नहीं तो मौतों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मुद्दे तो बहुत है, लेकिन आज कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और मैंने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक चिट्ठी भेजी है, उसकी संज्ञा लेना नहीं लेना वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार आज की कैबिनेट की मीटिंग में गंभीरता पर इस प्रश्न पर चिंतन करे कि जिस तरीके से COVID-19 की मृत्यु दर हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है, इट इज हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, इतनी डेथ रेट कहीं नहीं है। हमारा डेथ रेट जो चले गया है वो ऑल इंडिया एवरेज से 0.1 अधिक है। ऑल इंडिया की एवरेज 1.4 है, हम 1.5 पर चले गए हैं और केरला की आज भी जो डेथ रेट है वो 0.3% ही है, जो वन ऑफ द लोएस्ट है हमारे देश के अंदर। अब ये एक बहुत गंभीर मसला है। अब इसका कारण क्या है? जो असली कारण है सरकार उसको छुपाना चाहती है, उस पर ग्रहण लगाना चाहती है और अभी भी वो सारी की सारी जिम्मेवारी लोगों पर थोपना चाहती है। यस, हम उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। जो शादियों में भीड़ भड़ा के इकट्ठे हो रहे हैं, शादियों से ये फैल रहा है, यस करेक्ट है वो, लेकिन मुख्य कारण मृत्यु का शादी नहीं है, वो तो इन्फेक्शन का है, वो इन्फेक्ट होंगे। मुख्य कारण है कि आपके पास ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कभी आप एम्स की बात करते हैं, कभी आप पीजीआई की बात करते हैं, कभी आप कोई नई कॉन्ट्रोवर्सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खड़ी कर देते हैं और फिर इस तरीके का भ्रम हिमाचल प्रदेश की जनता में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली की सरकार ना जाने कितनी मेहरबान हो गई है हिमाचल की सरकार पर। अगर मोदी जी को थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश से प्यार है तो सिलेंडर अरेंज करना ऑक्सीजन का ये तो बहुत साधारण काम है। आपके डीडीयू में है, इतने परेशान हो गए हैं, इतने पीड़ित हो गए हैं, नौजवानों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए आज दुखी होकर कई इस्तीफा देना चाह रहे हैं। हमने उनसे आग्रह किया है, उनसे प्रार्थना की है, मेहरबानी करके ऐसा मत करो, अगर ऐसा तुम कर दोगे तो लोग उसको दूसरे तरीके से देखेंगे कि आप अपनी जिम्मेवारी से क्या कहते भागे हैं। चुनौती आई है, इस चुनौती को मिलके करेंगे, लेकिन हम मिलकर सरकार पर भी दबाव डालना चाहेंगे जिससे हालात को बेहतर बनाया जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।